आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि हमारी बॉडी में इनमें से कौन सी साइट पर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन सबसे तेजी से होती है। तो ये दोनों आयंस जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसोसिएटेड हैं। ये तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीदिंग की प्रोसेस में या रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक्सचेंज किए जाते हैं। इसी को हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। और ये प्रोसेस ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन की तो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को लगातार ज़रूरत रहती ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ तक बात है तो हमारी बॉडी के सभी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये लगातार अक्यूमुलेट होता रहता है, जिसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसकी एलिमिनेशन किस तरीके से होगी, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जिसके थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, करीब 70% ये बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो HCO3- आयंस के फॉर्म में करीब 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद में 20-25% हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से, यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और बाकी का जो करीब 5-7% बच गया, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस की, तो ये बनते कैसे हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं, हमारे एरिथ्रोसाइट्स हैं, हीमोग्लोबिन तो उन्हीं का पास होता है, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स में जब एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम देखते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2+H2O आपस में रिएक्ट करके H2CO3 बना देते हैं, यानी यहाँ पर हमें कार्बोनिक एसिड मिल जाता है। और हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट्स पर ये कार्बोनिक एसिड दो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस अंडरगो करता है। हम बात करें अगर अपने टिश्यू साइट की, तो टिश्यूज़ में क्या होता है कि ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस बना देता है। तो एज अ रिजल्ट ये टिश्यू साइट पे बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में CO2 को ट्रैप कर लिया जाता है, और वहीं एल्वियोलर साइट पे, यानी जहां पर गैशियस एक्सचेंज हो रहा है उस जगह पर हम कुछ और ही रिएक्शन देखते हैं। ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, क्योंकि CO2 के फॉर्म में अब इसको हमारी बॉडी से रिलीज किया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर चेंजेस अंडरगो कर रहा है कार्बोनिक एसिड, आयंस में बदल रहा है, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम के एक एंजाइम की वजह से पॉसिबल है, जो कि हमारे RBCs के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा में भी माइन्यूट क्वांटिटी में हमको मिल जाता है। तो पूछ क्वेश्चन में यही रहे कि बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन कहाँ पर बनते हैं, तो जो हमारा कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बन जाता है CO2 के ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारी बॉडी में, किस साइट पर वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन्स में डिसोसिएट होता है, टिश्यूज के साइट पर ऐसा होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से हमको ये बाइकार्बोनेट और H+ आयंस मिल जाते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन आयंस के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो किस साइट पर यह हो रहा है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टिश्यू साइट पर बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस हमें मिलते हैं, जबकि एल्वियोलर साइट पे H2O और CO2 मिलते हैं ताकि CO2 को हम रिलीज कर सकें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।